अंडमान का नाम आप लोगों ने सुन किया कालापन, कुछ लोग जेल का नाम भी सुने, तो यहाँ पानी का कलर काला ऐसा कुछ भी नहीं। इसका एक्चुअल नेम काला पानी नहीं था, इसका एक्चुअल नेम था कालपन। काल जो है संस्कृत में एक शब्द है जिसका अर्थ है मृत्यु यानी कि डेथ। सबसे पॉपुलर थे इस जेल में विनायक दामोदर सावरकर जी के, महाराष्ट्र के रहने वाले थे। नासिक कॉन्फ्रेंसी केस में लाया गया था सावरकर जी को, टोटल 50 साल का सजा मिला। इस जेल में सबसे ज्यादा फ्रीडम फाइटर जो थे बंगाल के थे, उसके बाद पंजाब, महाराष्ट्र, आसाम, इनका नाम लिखा गया, नेम लिस्ट आपको अंदर दिखाया गया। यहाँ पे जिनको भी फांसी देते हैं फ्रीडम फाइटर सेल से खड़ा होकर देख सकता था। पहला जो ड्रेस आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं पनिशमेंट ड्रेस। यहाँ पे एक फ्रीडम फाइटर को दूसरे के साथ बातचीत करना अलाउड नहीं। वो समय इनका जो जेलर था इंचार्ज, उनका नाम था जेम्स पीटरसन वॉल्कर, उन्होंने क्या किया, इनका नंबर जो है ब्रेक से यानी कि कील से इनके माथे पे फोड़ दिया। सबसे पहले मैं आप लोगों को लॉकिंग को दिखा रहा हूँ। ये इसका लॉकिंग सिस्टम था, ताला जो है अलीगढ़ से मंगा के लगाते थे। अभी सर आप अंदर से देखेंगे, अंदर आ दिन भर काम करने के बावजूद पीने के लिए इनको हाफ लीटर का एक पॉट पानी मिलता था, 24 घंटे में आधा लीटर पानी, वो भी बदबूदार यानी कि स्मेल होता था। ये देखिए दोस्तों, अभी हम एंटर करेंगे सेलुलर जेल, यहाँ काला पानी पी सकते हम। जेल में एंटर करते हैं, इस तरफ दो म्यूजियम है जो आप देख सकते हैं। म्यूजियम के बाद सीधा आ जाइए, यहाँ पे आपको गाइड मिल जाएगा, वेट करना पड़ता है कभी कभी क्योंकि कम लिमिटेड लोग हैं। सो गाइड आने के बाद गाइड लेके आप घूम सकते हैं, गाइड सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे, तो अगर आपको नॉलेज है तो सही है, नहीं है तो बेटर है आप गाइड लेके जाइए। अभी हम सेलुलर जेल में आ चुके हैं और ये लोकेशन जहाँ लाइट एंड साउंड शो होता है, फिलहाल ये शो बंद है, यही जगह। चलिए बाकी जानकारी देते हैं गाइड मिलने पर, साथ में चलते हैं, टूर करते हैं, पता करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं कि यहाँ होता क्या था। तो देखिए स्टार्ट करने से पहले जैसे ही आप लोगों ने इस जेल के अंदर में एंटर किया तो सामने में एक लोहे का बड़ा सा गेट देखा जी, जिसमें लिखा हुआ था सेलुलर जेल जी। जितने भी आप लोहे का गेट देखेंगे, जैसे बाहर जो भी ग्रिल लगाया गया, ये सब बर्मा से लाया गया। ब्रिक्स जो है फ्रीडम फाइटर के द्वारा यहीं पे बनवाया गया था, नेवी बे, डंडस पॉन्ड, ऐसे छोटे छोटे आइलैंड में जहाँ पे रेड कलर का मड मिलता है। जिस बिल्डिंग को भी आपने म्यूजियम के रूप में देख कर आया, ये भी जेल का एक पार्ट था, इसको एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बोलते हैं, यानी कि जितने भी अंग्रेज अफसर है, ब्रिटिश अफसर रहने के लिए इसी बिल्डिंग को यूज करते थे, इसमें रहते थे, रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाता था। अभी गवर्नमेंट इसको एग्जीबिशन, अपना ऑफिस और लाइब्रेरी बना दिया। साइड में देखेंगे यहाँ पे दो जोत जल रहा है, पहला थोड़ा सा आगे में दूसरा, पहला जो है स्वतंत्र जोत है, दूसरा जो है सावरकर जी की याद में लगाया गया है। दोनों जोत जो है 24 आवर्स यानी कि 24 घंटे जलता है, गैस के साथ में कनेक्टेड है, महीने में 48 सिलेंडर लगता है, जो IOC द्वारा गिफ्टेड किया गया इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा। इसके लिए 24 सिलेंडर, आगे वाले के लिए 24 सिलेंडर। और जो व्हाइट रंग का प्लेटफॉर्म बना हुआ बैक साइड में लास्ट में किलर, यहाँ पे उस समय फ्रीडम फाइटर्स के लिए एक हॉस्पिटल हुआ करता, वो हॉस्पिटल अब रहा नहीं, पूरा टूट चुका है। उसके जगह पे शहीद स्मारक बनाया गया, मार्टियर्स कॉलम। इस जेल में जो लोग शहीद हुए उन सभी को श्रद्धांजलि देने के लिए एक स्मारक है, इसका 1985 में ज्ञानी जेल से उद्घाटन। जो चेयर लगाया गया इस तरफ में देखेंगे, ये रात को सोनल लाइट शो के लिए लगाया गया चेयर, लेकिन अभी शो कुछ दिन के लिए बंद है, कब शुरू होगा स्टार्ट होगा बता नहीं सकते, क्योंकि इसे लेजर में अपग्रेड करा। जब शो देखने आएंगे तो आपको इस पीपल ट्री के बारे में बताया जाएगा, जिसमें नंबर लिखा हुआ 53। ये जो पीपल का पेड़ आपको दिख रहा है, ये 100 ईयर्स से पुराना पीपल ट्री, रिसेंटली 28 जून 1998 में हैवी रेन के वजह से ये पेड़ पूरा जड़ समेत गिर चुका था, तो इसके टहनी वगैरह काट के सेम ट्री को सेम प्लेस को दोबारा गाड़ा गया। गवर्नमेंट ने इसके ऊपर 3.5 लाख रुपीज खर्चा किया, क्योंकि रात के शो में एक रियल विटनेस है, मुख्य साक्षी ये पीपल का पेड़ है, ओमपुरी जी का वॉइस है, ये पेड़ ही आपको सब कुछ बताएगा उस समय किस तरह के फ्रीडम फाइटर रहे थे, इनके मन में किस तरह का सोच विचार। वैसे मेरा नाम फारूक है, मैं ही आपके साथ में गाइड रहूंगा, एज ए गाइड मैं यहाँ पे 97 से काम कर रहा हूँ। जैसा कि आप लोगों ने मॉडल में आप देखा अंदर में, बीच में इसके एक टावर, इसके साथ में 7 स्पोक को कनेक्ट किया गया जो लंबा से आपको दिख रहा है। सारे विंग्स के कनेक्शन सेंट्रल टावर के साथ में, मतलब किसी भी गार्ड्स को एक विंग से दूसरे विंग जाना है तो इसके बैक से या फ्रंट से दूसरा विंग एंटर कर सकते हैं। और 7 विंग में इसका टोटल जो है सेल कैपेसिटी, सेल मतलब कोठरी कमरा, टोटल जो है सेल वो 690। सेल के अंदर आपको लेके दिखाया जाएगा, उसमें इंडिविजुअल या सेपरेट कोई टॉयलेट का फैसिलिटीज नहीं था, तो जो भी फ्रीडम फाइटर होते थे इनको टॉयलेट के लिए डेटा में बाहर लेके जाते थे, लेकिन रात को सेल के अंदर 6 बजे बंद कर दिया जाए, अगले दिन सुबह 6 बजे तक किसी कारणवश कोई सेल को दोबारा नहीं खोला जाए। उस समय सेल के अंदर में छोटा सा एक मड बॉल देते थे, मट्टी का घड़ा, इसी में इनको यूरिन टॉयलेट वगैरह करना पड़ता था और क्लियर करके सेल के अंदर रखना पड़ता था, यानी रात भर इनको टॉयलेट के साथ सोना पड़ता था। इस जेल का जो आर्किटेक्ट था इनका नाम था मैकक्वेरियर, फर्स्ट जेलर डेविड बैरी, और एस्टिमेट कॉस्ट जेल को बनाने का टोटल खर्चा उस समय 7.5 लाख रुपीज लगा था।
क्योंकि इनको लेबर कॉस्ट पड़ा नहीं, लेबर जो थे फ्रीडम पड़े। जेल को बनाने के लिए 600 क्रांतिकारियों को काम करवाया गया, बाद में उन्हीं को इस जेल में रखा भी गया। और ये लोग एस्टिमेट लगाए थे कि पूरा जेल को 10 साल में बनाकर कंप्लीट करेंगे, लेकिन जेल को बनने में एक्चुअल 13 साल लगे। 1893 में इसका काम शुरू हुआ, 1906 में पूरा जेल बनकर कंप्लीट हो गया। ये जेल का नाम सेलवर जेल इसलिए रखा गया क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे सेल, सो मेनी सेल्स के कारण। विंग में मैंने आपको बताया 7 विंग, लेकिन अभी आप देख सकते हैं इसमें सिर्फ 3 विंग बचा हुआ है। 1 नंबर है, 7 नंबर है, इसके बैक साइड में एक 6 नंबर है जो ऊपर जाकर आपको दिखेगा। बाकी के 4 विंग यानी कि 2, 3, 4, 5 पूरा डैमेज हो चुका है। डैमेज होने का रीजन 41 में यहाँ पे मेजर अर्थक्वेक और 42 से लेकर 45 यहाँ पे जापानी पीरियड, उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो काफी सारे बम गिरे थे जिसके कारण विंग्स डैमेज हो गए। कुछ विंग डेंजर पार्ट में था, कभी भी टूट के गिर सकता है। तो यहाँ के गवर्नमेंट ने क्या करा, इसके बैक साइड में सारे विंग्स को क्लियर करके यहाँ के लोगों के लिए एक हॉस्पिटल बना दिया जिसका नाम जीबी पंत यानी कि गोविंद वल्लभ पंत जी के नाम से रखा गया हॉस्पिटल है। ऊपर जाएंगे पीछे आपको हॉस्पिटल दिखेगी। और विंग को कैसे बनाया गया, देखिए 1 नंबर विंग का मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ये इसका बैक पोर्शन आपको दिख रहा है, वेंटिलेशन दिख रहा है, रोशनदान, ये जो है इसका बैक पोर्शन था। विंग नंबर 7 उसका फ्रंट पोर्शन, यानी कि आगे में जो भी लोग रहते हैं देख नहीं सकते थे उसके आगे वाला विंग्स में कौन रहता, बल्कि हर विंग को फ्रंट एंड बैक बनाया गया। और हर दो विंग्स के बीच में जो लंबा से शेड आपको दिख रहे हैं, ये जो है वर्कशेड है, कार्यस्थल, यहाँ पे इनको काम करा देते। किस तरह का काम दिया जाता था आपको वहीं पे एक्सप्लेन करेंगे, हर चीज का मॉडल रखा है, ठीक है। और बैक साइड में दो छोटा बिल्डिंग है, स्टोर और किचन हर विंग के सामने बनाया गया, यानी कि विंग नंबर 7 में जो भी लोग रहेंगे उनको यहीं पे काम करवा देगा, यहीं पे खाना बांटा देगा। और इस जेल में सबसे ज्यादा फ्रीडम फाइटर जो थे बंगाल के थे, उसके बाद पंजाब, महाराष्ट्र, असम, इनका नाम लिखा गया, नेम लिस्ट आपको अंदर दिखाया गया। और सबसे पॉपुलर थे इस जेल में विनायक दामोदर सावरकर जी थे, महाराष्ट्र के रहने वाले थे, नासिक कॉन्फ्रेंस केस में लाया गया था। सावरकर जी को टोटल 50 साल का सजा मिला था, उसमें से 10 साल सावरकर जी इसी जेल में काटे। इन्हीं का नाम से यहाँ का एयरपोर्ट का नाम रखा गया, इनके बारे में डिटेल एक्सप्लेन थोड़ा सा आगे किया जाएगा। और अंडमान का नाम आप लोगों ने सुन किया कालापन, कुछ लोग जेल का नाम भी सुने, तो यहाँ पानी का कलर काला ऐसा कुछ भी नहीं, इसका एक्चुअल नेम काला पानी नहीं था, इसका एक्चुअल नेम था काल पानी। काल जो है संस्कृत में एक शब्द है जिसका अर्थ है मृत्यु यानी कि डेथ। यहाँ पे जिनको भी लाते थे वो सोचते थे कि हमारा आखिरी सफर है, यहाँ से जीवित लौट के नहीं जा सकेंगे, डेथ से रिलेशन, देखने को चारों तरफ पानी क्योंकि आइलैंड है, तो इसका एक्चुअल नेम था काल पानी, प्रोनाउंस करने के लिए मुश्किल होता बल्कि कर दिया गया काला पानी। तो अभी पहला स्पॉट चलेंगे फांसीघर, और फोटोग्राफी के लिए ध्यान में रखिएगा आप लोग जिस रास्ते से अंदर जाएंगे यहीं से लौट के वापस आना जी। मेरे एक्सप्लेनेशन एक्जैक्टली 30 मिनट्स का रहेगा, तो लौटते वक्त आप लोग अपना टाइम के अनुसार फोटोग्राफी कर सकते हैं क्योंकि मैं एक्सप्लेन करने के टाइम आप फोटो लेने रुका तो एक्सप्लेन छूट जाए। और बाहर जाने के लिए रास्ता देखिए, लास्ट में एक छोटा सा डोर है जहाँ पे पीने का पानी है, वॉशरूम है और गवर्नमेंट का सुविनियर शॉप, एग्जिट आपको वहीं से रहेगा। तो अभी पहला स्पॉट चलेंगे फांसीघर, ऐसे ही आगे। हम लहरें बिछाए बैठे हैं बरसों से महीनों से, एक बार दुआओ तैर के तुम हम साहिल रखते हैं, लहरों की तरह बह जाते हो तो सफीनों से। पहला जो आपको दिख रहा है ये स्टोर है, इसके बगल में जो बनाया गया किचन, ठीक है, ये दो बिल्डिंग, हर विंग के सामने एक स्टोर एक किचन बनाया गया था। फांसीघर सिर्फ एक ही था जो आगे चलकर देखेंगे। तो फांसीघर जाने से पहले यहाँ पे देखिए ब्लैक रंग का बोर्ड, व्हाइट रंग का दो स्टेप्स आपको दिख रहा है ग्राउंड पे, बांस से बनाकर रखा दिखा, इसे ये सामने व्हाइट वाला स्टेप बना के रखा ना ग्राउंड पे, इसे जो है प्लेस फॉर द लास्ट रिचुअल्स कहा जाता है बिफोर एग्जीक्यूशन, यानी कि फांसी देने से पहले फ्रीडम फाइटर्स को लाके यहीं पे खड़ा करके इनको नहलाया जाता था और इनसे अंतिम इच्छा यहीं खड़ा करके पूछते थे। अंतिम इच्छा में सिर्फ इतना कि इनका अंतिम संस्कार कैसे किया जाए, जैसे हिंदू है तो जला दे, मुस्लिम है तो दफना दे, कास्ट के अनुसार यहाँ खड़ा करके पूछते थे, एक डायरी में लिखा जाता है और जिनको फांसी दे रहा उनका सिग्नेचर देते हैं, इसीलिए ताकि इनका फैमिली मेंबर से कोई भी आके पूछे कि इनका बॉडी को हैंग करने के बाद आप लोग क्या किया, उनको जस्ट दिखाने का रिकॉर्ड एक्चुअल में क्या करता था ये फांसी करने बताया गया, ठीक है। तो यहाँ से आइए, थोड़ा सा नीचे देखकर चलेगा, बीच में थोड़ा ड्रेन बना हुआ है, ये शेड उन्होंने बना रखा था काम करते मतलब उनके ऊपर? नहीं नहीं, सब कुछ ओपन था, ओपन ही होगा ना, ये भी ओपन था सारा कुछ। ये जो है गैलोस ऑफ फांसीघर, उस समय इसमें शेड वगैरह कुछ नहीं था, ऊपर का जो छत आपको दिख रहा है साइड का वॉल, यहाँ पे जिनको भी फांसी देते हैं फ्रीडम फाइटर सेल से खड़ा होकर देख सकता था। और एक समय में एक साथ 3 लोगों को हैंग करने के हिसाब से बनाया गया, जब डोर के सामने जाकर आप लोग खड़े होंगे तो इसमें रोप जो है रस्सा जो लगाया गया ये नया है, ओरिजिनल में उसको ऊपर का बीम, नीचे का प्लेटफॉर्म एंड लेफ्ट हैंड साइड में एक लीवर है जो ओरिजिनल उसी समय, जैसे ये लोग लीवर को पुल करते थे प्लेटफॉर्म अंदर की तरफ खुलता था, बॉडी हैंग, डेथ होने के लिए कुछ सेकंड लगता था लेकिन तब भी कुछ अवस्था यहाँ पे हैंग करके रहते थे, इसीलिए ताकि ऊपर से लोग देख सके उनके मन में डर पैदा। रस्सा खोलने पर बॉडी इसके नीचे गिर जाता था, साइड से अंडरग्राउंड है जहां से 2 कार्स उतर के इनका डेड बॉडी को बाहर निकालते थे, और पीछे में एक छोटा सा लोहा का डोर है,
कहा जाता है कि वहीं से बाहर लेके इनका बॉडी को समुद्र में थ्रो कर देते, यानी कि यहाँ पे जो भी पूछते थे जस्ट रिकॉर्ड को मेंटेन करने। और जब रोप देखेंगे तो ध्यान से देखिएगा, इसमें एक लोहे का रिंग लगाया गया। ये लोहे का रिंग दिया बराबर बैकबोन में सेट करता था, जैसे ही लीवर खींचता था प्लेटफॉर्म खुलता था, वो जो है स्पाइनल कॉर्ड तोड़ने का काम करता था, जिससे इंसानों का जल्द से जल्द डेथ हो। तो इसमें ओरिजिनल मैंने बताया बीम, प्लेटफॉर्म एंड लीवर है। और फांसी घर देखने के टाइम देखिएगा सभी लोग इकट्ठा एक साथ देखने पड़ेंगे, तो एक फैमिली जब देख रहा है तो दूसरा फैमिली प्लीज वेट करिए, वो बाहर निकलेंगे तभी आगे फैमिली वाइज आएगा। ओरिजिनल इसमें देखिए, ऊपर का बीम आपको दिख रहा है जी, नीचे का प्लेटफॉर्म एंड लेफ्ट हैंड साइड लीवर ओरिजिनल है। अच्छा, लोहे का रिंग रस्सी में देख सकते, देखने के बाद यहाँ पे आप लोग स्टेप्स उतर के रुकिए। यहाँ पे इस तरफ आना, प्लेस फॉर लास्ट रिचुअल्स बिफोर एग्जीक्यूशन, फांसी पूर्व अंतिम क्रियास्थल। लेकिन नीचे के जो चार कमरे आपको दिख रहे हैं ग्राउंड फ्लोर में, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये चार सेल को बाकी सेल से अलग किया गया, ये चार सेल को कंडम सेल कहा जाता है, यानी कि तिरस्कृत कोठी। फांसी देने से कुछ दिन पहले फ्रीडम फाइटर्स को लाकर यहाँ पर रखते थे, गवर्नर जनरल का जैसे ही ऑर्डर आता था कि इनको फांसी दिया जाए, वहां से निकाल कर यहीं पे नहलाया जाता था, उसके पास फांसी कर लेता था। यानी कि नीचे के चार कमरे में जिनको भी रखा गया उसे एक तरह का कन्फर्मेशन सेल कहा जाता है। विंग नंबर 7 में सबसे ऊपर में जो लास्ट कमरा दिख रहा है टॉप में, वो जो है विनायक दामोदर सावरकर जी का, जो ऊपर जाकर आप लोग देखते हैं जी हाँ टॉप इधर है। तो देखिएगा ये जो है वर्कशेड है, कार्यस्थल। उस समय इसमें शेड वगैरह कुछ नहीं था, ये भी ओपन था, सिर्फ ब्रिक्स का एक छोटा सा वॉल, यानी इसी तरह धूप में गर्मी में लेके इनको काम करा था। पहला जो ऑयल मिल आपको दिख रहा है, इसे हिंदी में कोलू कहा जाता है, तेल निकालने का मशीन, ये हैंड मशीन उस समय का ओरिजिनल है। उस समय काफी सारे ऑयल मिल लगाए जाते थे, बाकी सारे डैमेज हो गए, एक ही बचा। तो ओरिजिनल को ध्यान से देख लीजिएगा, इसके बारे में एक्सप्लेन आपको थोड़ा सा आगे मॉडल पे किया गया, तो ओरिजिनल को देखकर थोड़ा सा आगे। यहाँ पे देखेंगे आप, ये जो पहला पनिशमेंट आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं कॉ पोनिंग। कॉ पोनिंग मतलब एक इंसान को नारियल का छिलका को छीलना पड़ता था, ऐसे लकड़ी के इंस्ट्रूमेंट से सुबह से लेकर शाम तक इसे कूटना पड़ता था, कूट कर इसके रेसे को निकाल कर रस्सा बनाते थे, नारियल का छिलका से आज भी रस्सा बनता है। और इसमें जो क्रॉस बेंच आपको दिख रहा है वो इसी मशीन के थ्रू इसे घुमाया जाता है ऑल्टरनेट, एक ऑपोजिट दूसरा घुमा, ये भी ओरिजिनल। और ऐसे लकड़ी के इंस्ट्रूमेंट देते थे जिसे कूटते वक्त इनके हाथ में पूरा छाला यानी पूरा हाथ का स्किन निकल जाता। और ध्यान में रखेंगे रस्सा जो है दो प्रकार से बनाया जाता था, एक था कॉ पोनिंग, उससे टफ, उसका नाम है रामबंस पोनिंग। यहाँ पर रामबंस जो है एक ट्री का नाम है, जिसका कच्चा छाला यानी कि पेड़ का जो स्किन होता है उसको निकाल के कच्चा स्थिति में कूटना पड़ता था। कहा जाता है इसे कूटते वक्त इससे एक लिक्विड निकलता जो बदन में लगने पर बदन बहुत ज्यादा खुल जाता था और पूरा बदन बर्न मार्क यानी कि जहां पे लगता था वहां का स्किन जल जाता, उससे इजी था कॉ पोनिंग। उसके बाद जो नारियल होता था उसको तोड़कर धूप में सुखाते थे, ड्राई कोकोनट, सूखा नारियल जिसको बोलते हैं कोबरा, वो इसके अंदर डाल देते। ओरिजिनल आप लोगों ने देखा, मॉडल आप लोगों को समझाने के लिए रखा है। यहाँ पे ड्राई कोकन डालते थे, यहाँ पे एक छोटा सा पॉट जहाँ पे ऑयल कलेक्ट होता था, इसके बार में लोहे के काफी सारे वेट लगाते थे। वेट लगाने का रीजन ये था कि इसके अंदर जो कोकोनट डालता था वो क्रश होकर उसका तेल अच्छी तरह से निकल सके, और इनको घुमाने के लिए बहुत तकलीफ होता, घुमाते वक्त जहां पे भी इनका कदम रुकता था या थोड़ा आराम करने के लिए सोचता था इसके पीछे एक वाटर लगा रहता था हंटर मारने, जैसे गांव क्षेत्र में कोलू का बैल कहा जाता है उसी तरह इंसानों से काम कराते थे। एक दिन में एक इंसान को 30 पाउंड कोकोनट 10 पाउंड मस्टर्ड ऑयल पर डे 40 पाउंड तेल निकालना पड़ता, 40 पाउंड मतलब तकरीबन 18 किलो के आसपास, 18 kg पॉसिबल नहीं, काम को पूरा नहीं कर सका या काम करने से रिफ्यूज करेगा उनको नेक्स्ट पानी। आगे चलते यहाँ पे देखेंगे, इसे इंग्लिश में फ्लॉगिंग फ्रेम कहा जाता है, हिंदी में उसको बोलते हैं टिकटिकी। हिंदी में आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि रात को शो में हिंदी में बोला। फ्रेम जो आपको दिख रहा है ये ओरिजिनल है, उसी समय
ये उन फ्रीडम फाइटर के साथ में जिनको भी यहाँ पे काम दिया गया, जैसे नारियल का छिलका से रस्सा बनाने का काम या तेल निकालने का काम, जो भी काम को अगर कंप्लीट नहीं कर पाए तो बांध के मारते थे। मारते वक्त सिस्टम ऐसा होता था कि फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रीडम फाइटर्स को टोटली नेकेड किया जाता, यानी कि शरीर से पूरे कपड़े हटा दिए जाते थे। उसके बाद इनके हैंड्स, वेस्ट एंड लेग्स, यानी कि हाथ, कमर और पांव, तीनों चीज को लॉक करते। एक कपड़ा लेते तो उसे एंटीसेप्टिक लोशन से भिगोया जाता था, यहाँ पे व्हाइट मार्किंग किए गए, यहाँ बांधते थे बटन। और मारते वक्त कहा जाता है कि शरीर पे किसी जगह नहीं, टारगेट एक ही जगह का होता था कि मैक्सिमम बेत इनका बटक्स में लगना चाहिए जहां पे व्हाइट मार्किंग किया। यहाँ पे बेत मारने का रीजन नहीं है कि यहाँ पे बेत मारा जाए इंसान का डेथ नहीं होगा, पर उनको तकलीफ बहुत ज्यादा होगी। जैसे काम करने के दौरान थक कर कहीं बैठना चाहे बैठ नहीं सकता था, बैक पोजीशन में घाव, रात को सो नहीं पाता था, इवन तो टॉयलेट भी नहीं जा सकता था, क्योंकि यहाँ का घाव ज्यादा गहरा हो जाए तो यहाँ पे अगर स्टिच भी करेगा तो टॉयलेट वगैरह जाने पर स्टिच रीओपन हो जाए और यहाँ का घाव जल्दी सूखता नहीं। इसको मारने वाला जो होता था वो इंडियन होता था। इस जेल में खाली फ्रीडम फाइटर नहीं, कुछ क्रिमिनल्स को भी लाया गया था, चोर, डकैत, खूनी। इनमें जिनका टर्म्स अच्छा उनको वाटर का पोत, स्ट्रिक्टली ऑर्डर की जब एक बेत मारो बेत निकालो तो स्किन समेत कपड़ा निकल के आ जाना चाहिए, अगर नहीं निकला तो सेम पनिशमेंट इसको। यानी कि इंडियंस ही इंडियंस को मारता, थोड़ा सॉफ्टनेस ना बरते बोल के इतना स्ट्रिक्टली ऑर्डर। नॉर्मली फ्रीडम फाइटर जो है 7 से 10 बेत खाने के दौरान अपना होश खो देता, साथ में एक डॉक्टर होता था पूरा मेडिकली चेकअप करके दोबारा होश में लेके आके 20 से लेके 30 बेत, यानी कि 22-30 टाइम्स एक ही जगह पे हिट किया जाता। ये यहाँ का सबसे ज्यादा टफ पनिशमेंट। इसका ओरिजिनल प्लेस बैक साइड में देखेंगे, व्हाइट कलर का स्टैचू, खुले आम में रख के मारते हैं ताकि कुछ लोग सेल के अंदर से देख सके, कुछ लोगों को लाके खिला सके। यहाँ पे देखेंगे पेंटिंग के द्वारा 3 जगह के फोटोग्राफ्स को दिखाया गया। ये जो पहला आपको दिख रहा है ये अंडमान का सबसे पहला जेल, ये 1864 से लेकर 67 में बनाया गया, जगह का नाम वाइपर आइलैंड फर्स्ट जेल। अभी जहाँ पे खड़े ये दूसरा जेल है सेलुलर जेल। थर्ड जो दिख रहा है तीनों अंडमान का हिस्टोरिकल प्लेस। पहला जो ड्रेस आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं पनिशमेंट ड्रेस, हिंदी में कहा जाता है टाट का वर्दी, पूरा बस्ते यानी बोरे का होता है, ध्वनि बैग। यहाँ पे एक फ्रीडम फाइटर को दूसरे के साथ बातचीत करना अलाउड नहीं, अगर कोई भी एक दूसरे से बातचीत करता हुआ पाया जाए उनको 14 डेज तक यानी कि 14 दिन तक ड्रेस को पहना के काम करे। गर्मी बहुत ज्यादा, खमौरी, बदन में स्क्रैच, यानी कि दिन भर काम करने के बावजूद रात भर इनका शरीर फूल जाता है। और यहाँ पे 3 तरह का पनिशमेंट रखा गया, चेन फिटर, बार फिटर एंड क्रॉस बार फिटर। यहाँ पे जिन फ्रीडम फाइटर्स को मिलाया जाएगा उनका मनोबल को तोड़ने के लिए इस तरह का चेन पहनाया जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे गले पे राउंड सिलिंग, लकड़ी में नंबर्स लिखा जाता था जिसमें इनका एज पीरियड सब कुछ मेंशन करते थे, एक तरह का आइडेंटिफिकेशन किस केस में लाया गया, कब से लेकर कब तक इनको पनिशमेंट दिया। जो फर्स्ट बैच का फ्रीडम फाइटर्स को लाया गया था उनका डेट था 10 मार्च 1858 में 200 क्रांतिकारियों को लाया गया। उस समय इनका जो जेलर था इंचार्ज उनका नाम था जेम्स पीटरसन वॉल्कर, उन्होंने क्या किया इनका नंबर जो है फ्रेक से यानी कि कील से इनके माथे पे खोद के लिए ताकि इनको हमेशा के लिए याद रखे लोग काला पानी का सजा काटा हो। बाद में जेलर जैसे चेंज हुआ, लोहे का टैग, लकड़ी का टैग, हाफ फ्लिक शर्ट हाफ फ्लिक पहनने के। चेन फिटर में क्या होता था, सेंटर में चेन लगा हुआ है, चेन जो है फ्लेक्सिबल यानी काम करने के टाइम ये अपने नीज को बेंड करके घुटना को मोड़कर बैठ सकता है क्योंकि चेन फोल्ड हो जाए। सेकंड पनिशमेंट इसको बोलते हैं बार फिटर, सेंटर में आयरन रॉड, इसको हाथ से होल्ड नहीं करना पड़ता था, कमर से एक चेन इसको लॉक करके रखना था, काम करने के टाइम ये अपने नीज को बेंड करके नहीं बैठ सकते क्योंकि रॉड बेंड नहीं है। और सबसे डिफिकल्ट था क्रॉस बार फिटर, ना ही टांग को वो ज्वाइन कर सकता ना ही मोड़ सकता है, टांग को फैला कर रखना पड़ेगा, फैला कर चलना पड़ेगा। ये इनके स्वभाव के ऊपर निर्भर था, जो नॉर्मल होगा उनको चेन फिटर, डेंजर होगा बार फिटर, सबसे ज्यादा डेंजर को क्रॉस बार फिटर। इसका पीरियड 1 ईयर था, 6 मंथ 15 डे। और सभी पनिशमेंट को ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे एक लोहे का रिंग लगाया गया, चलने के टाइम ये ऊपर नीचे होते होते इसके घाट में यानी कि एंकल पे घाव बैठ जाता था, जब तक ये पनिशमेंट इसके साथ में रहेगा ये घाव दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाता, यानी कि रात भर एक घाव सूखता है, सुबह वापस इसको पहन के चल के जाना, वापस छील है, घाट का घाव जल्दी सूखता है। तो पनिशमेंट के बारे में आपको एक्सप्लेन किया, सभी लोगों को समझ में आया, यहाँ से भी सेल जीतने के लिए चले। इस जगह को आप फील कीजिए, किस लेवल की यातना झेलनी पड़ती थी फ्रीडम फाइटर्स को। यहाँ का चप्पा चप्पा मानो अपनी गाथा चीख चीख कर कह रहा हो कि आज जो तुम आज़ादी से घूम रहे हो वो फ्री में नहीं मिली, कितने लोगों का बलिदान शामिल है इसमें, किस लेवल की पीड़ा झेलनी पड़ती थी स्वतंत्र संग्रामियों को आज़ादी के लिए। मैं ये अनुभव कर पा रहा हूँ और इस वीडियो के माध्यम से आशा करता हूँ आप भी उस पल उस मंजर को पूरा नहीं तो कुछ ना कुछ अनुभव कर पा रहे होंगे। मेरा कोटि कोटि नमन उन सभी स्वतंत्र संग्रामियों को। डायमेंशन मैंने आपको बताया था 13x7x8, एक सेल में एक जन को रखते थे, सेल के अंदर कोई लाइट का फैसिलिटी नहीं, जो भी लाइट लगाया गया ये सब रात को सन लाइट शो और आप लोग देख सके बोल के लगाया गया। सबसे पहले मैं आप लोगों को लॉकिंग को दिखा रहा हूँ,
ये इसका लॉकिंग सिस्टम था, ताला जो है अलीगढ़ से मंगा के लगाते थे, ताला मारने के बाद इनके हाथ में चाबी देते थे कि ताला खोलो जा सकते हो, इम्पॉसिबल से यहाँ से लेके यहाँ तक इनका हाथ पहुंचा। खाना खाने के लिए इनको साइड में जो बॉक्स बनाया गया यहाँ पे खाए, और हर विंग का जो रो सेल होगा उसका पहला सेल आप लोगों को बड़ा मिलता है। पहला जो बड़ा सेल है उसको बोलते हैं गार्ड सेल, यानी कि एक गार्ड वहाँ पे आराम करता था, एक गाड़ी यहाँ पे खड़ा होकर ड्यूटी करता था। इनका शिफ्टिंग ड्यूटी जो है विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो सके बोल के पहला गार्ड लोग को आराम करने के लिए बनाया। ये पूरा रो को देखने के लिए एक ही गार्ड खड़ा होता था, एक विंग में सिर्फ तीन गार्ड लगे थे, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर। तो मैंने आपको बताया सात विंग, 3x7 कर दीजिए 21 गार्ड स्टोर में, वॉच टावर में 2 गार्ड, यानी कि 700 लोगों को देखने के लिए सिर्फ 23 गार्ड का जरूरत है, 23 गार्ड सफिशिएंट पूरा जेल को वॉच कर। अभी सर आप अंदर से देखेंगे, अंदर आइए, आइए थोड़ा सा आगे आइए। थोड़ा आगे आगे तो यहाँ पे देखेंगे ये जो सेल है जिनका फोटोग्राफ लगाया गया, ये सचिंद्र नाथ सेनाल जी का फोटोग्राफ लगाया गया, ये इनका सेल नहीं, सेल के अंदर में क्या क्या रहते थे बोल के ऐसे रखा गया, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे ये जो लकड़ी का बेड आपको दिख रहा है, हर सेल के अंदर में सोने के लिए ऐसे ही लकड़ी का बेड देते थे, वुडन बेड। इसका हाइट काफी कम होता था लेकिन इसका वेट बहुत ज्यादा, करीबन 250 किलो का वजनदार बेड, 250 kg का। इतना हैवी बेड देने का रीजन ये है कि इनकेस कोई गार्ड उसको चेक करने के लिए सेल के अंदर में आए तो उसको वेपन के रूप में यूज ना कर सके, उठा के किसी को मार ना सके, सरकाना भी मुश्किल था। खाना खाने के लिए इनको लोहे का बर्तन देते थे, आयरन प्लेट्स, एक तो खाना बेटाइम में दिया जाता था, दूसरा गरम गरम, फ्रीडम फटे ये सोचे कि इसको ठंडा करके आराम से भूख लगने पर खाए, पॉसिबल नहीं, आयरन को उसमें खाना बहुत जल्दी रिएक्ट होकर खराब हो जाएगा, पॉइजन हो जाएगा। तो आज भी हम लोग खाना खाते तो स्टील या फाइबर का प्लेट, लोहे का बर्तन है। दिन भर काम करने के बावजूद पीने के लिए इनको हाफ लीटर का एक पॉट पानी मिलता था, 24 घंटे में आधा लीटर पानी, वो भी बदबूदार यानी कि स्मेल होता था, पीने लायक नहीं होता था। नहाने के लिए इनको 3 पॉट भर के समुद्र का पानी होता था, सी वाटर। एक तो गर्मी में काम कराते थे बदन का पूरा राशस होता था, नमक पानी से नहाने पर इनका बदन और ज्यादा जलता था, तो इनको नहाने से भी डर लगता था, 3 पॉट में एक नॉर्मल आदमी का पूरा शरीर भीग नहीं सकता था, तो हर चीज के लिए एक लिमिटेशन हुआ करता था, इसी तरह का दिया जाता था। जो ऊपर जाएंगे सावरकर जी का सेल में भी रखा गया बेड और खाने पीने का बर्तन, ठीक है। अभी एक मॉडल देखेंगे, मॉडल देख के ऊपर जाएंगे। ये गार्ड सेल है, देखिएगा ये जो है सिल्वर जेल का रिफिल का मॉडल है, इसी प्रकार से जेल को बनाया गया, टोटल 7 विंग्स, क्लॉकवाइज काउंटिंग देख सकते हैं, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सारे विंग्स के कनेक्शन सेंट्रल टावर के साथ में। अभी आप लोग जिस जगह पे खड़े हैं सेंट्रल टावर का सबसे नीचे ग्राउंड फ्लोर में खड़े, ठीक है। अभी सिर्फ 1, 7 और 6 बचा हुआ। मॉडल में आपको दिख रहा है किसी विंग्स को बड़ा बनाया गया, किसी विंग्स को छोटा बनाया गया, उसका रीजन ये है कि ऊपर जाकर देखेंगे इसके बैक साइड में सी है, जिसके वजह से विंग्स को छोटा किया गया, यानी जिस आकार में जमीन मिला उसी आकार से जेल का निर्माण किया। विंग नंबर 7 में सबसे ऊपर में लास्ट कमरा मैंने बताया विनायक दामोदर सावरकर, सावरकर जी को 50 साल का सजा देने का है। सावरकर जी जो है लंदन में अपना बैरिस्ट्री का कोर्स कर रहे थे, तो वकालत का पढ़ाई करने के टाइम सावरकर जी ने क्या किया, एक रशियन लैंग्वेज में बुक था बम बनाने का, उसको मराठी में ट्रांसलेट करके इंडिया में, उसे इंडिया में बम बनाया गया, काफी जगह पे विस्फोट किया गया, अंग्रेजों का बहुत सारा चीज नुकसान हुआ, जिसके लिए सावरकर जी को 25 साल का सजा मिला। और एक 25 साल का सजा देने का रीजन बुक के अंदर में पेपर को काट के उसके अंदर पिस्टल सप्लाई किया था, जिसके लिए 25, तो 25-25 मिलाकर 50 साल। अरेस्ट करे थे लंदन में, एक जहाज जब हटा के लेकर थे, जहाज का नाम था एसएस मोरिंग, उस जहाज में लेकर आते वक्त जहाज जब फ्रांस में मार्सलिस पोर्ट के वहां पे कुछ देर के लिए एंकर के लिए खड़ा था, तो सावरकर जी उस जहाज से कूद के स्विमिंग करके भाग गए। तो बहुत लोगों ने इससे ऐसा सुना है कि जेल से कोई कूद के स्विमिंग करके भाग, तो ये गलत है, जेल से कोई नहीं भाग सकता। वापस अरेस्ट किया गया, यहाँ पे लाया गया साथी वाले कमरे में 1911 से 1921, 10 साल है। 21 के बाद सावरकर जी को वापस महाराष्ट्र भेजने का रत्नागिरी जेल, और काफी दिन तक सावरकर जी को इनके घर पे नजर बंद करके रखा गया। वो मेरा सावरकर जी का डेथ इंडिपेंडेंस के बाद में 1966 में आजादी के बाद,
अभी सावरकर जी का सेल में उनका लिखा गया कविता कमला काव्य, सोने के लिए किस तरह का बेड, खाने पीने के लिए किस तरह का बर्तन, ये सबका मॉडल है ओरिजिनल। और सेल मैंने बताया सभी सेल एक ही तरह, लेकिन सावरकर जी का सेल जाएंगे तो उसके कॉरिडोर को अलग से ग्रिल डाल के बंद किया, डबल गेटेड बनाया, इसीलिए क्योंकि डे टाइम में सावरकर जी को बाहर कॉरिडोर में, आप वहां से खड़ा होकर देखेंगे तो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ पनिशमेंट दिखेगी, जैसे किसी को फांसी दे रहे हैं, वर्कशॉप में किसी को काम करवा रहा है, फ्लॉगिंग फ्रेम में किसी को मार पड़ रही है, सारा चीज खड़ा होकर देख सकता था। मेंटली टॉर्चर के लिए वो सेल को वैसा रखा है। और सावरकर जी का 10 साल का पीरियड था तो इनके नक्शे कदम पे चलकर इनका भाई गणेश दामोदर सावरकर जी भी इसी जेल में सजा काट रहे, दोनों भाई एक ही जेल में, लेकिन दोनों भाइयों को आपस में 2 साल के बाद पकड़े, इस हद तक कम्युनिकेशन करते हैं, एक दूसरे को देखना, बात करना सबके लिए बनी। यहाँ से ऊपर चलेंगे चढ़ने के टाइम स्ट्रक्चर को ध्यान से देखे चलिएगा, जितने भी सीढ़ी वगैरह देखेंगे जो ब्रिक्स आपको दिख रहे सब ओरिजिनल, ये जेल बनकर 116 साल हो चुके, 16, ठीक है, यहाँ से ऊपर चलेंगे। मेरा मानना है हर भारतीय को एक बार तो यहाँ आना ही चाहिए, और टूर गाइड के साथ कीजिए तो डिटेल में चीज़ें समझ पाएंगे। ये जो है बैक साइड में सीढ़ी टावर है, अभी यहाँ से हम लोग ऊपर चले जाएंगे जहाँ पे मैं साइलेंस के बारे में ब्रीफिंग करूंगा, वो मेरा लास्ट सेक्शन रहेगा। बैठने के टाइम ध्यान में रखिए आपको किसी को सीखने की जरूरत नहीं कि सावरकर जी का सेल कौन सा है, ये देखिए रेड कार्पेट है जो ऊपर आपको इतना दिखा, एरो मार्क 1 2 3 लिखा हुआ, यानी कि लास्ट कमरा सावरकर जी का, उनका सेल नंबर 123। और ये जेल अभी आपको देखकर ऐसे लग रहा है कि इसको न्यूली कंस्ट्रक्ट किया गया, इसका रीजन क्या बोलने से यहाँ पे आप डिफरेंस देखेंगे, इसको पूरा प्लास्टर करके पेंटेड करते करते इसका थिकनेस इतना ज्यादा हो गया, तो आटम कल्चर ने डिसाइड किया कि इसका सेम स्ट्रक्चर को मेंटेन करना है, इसमें कोई पेंटिंग वगैरह नहीं करना, तो इसको पूरज के निकाला गया जिसकी वजह से जेल अभी ऊपर है। इसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर देखा है तो विंग नंबर 6 का ऊपर का फ्लोर में देखेंगे, करंट पोर्शन आपको दिख रहा है वो ओरिजिनल स्ट्रक्चर, ठीक है, ऊपर से उसका फोटो भी ले सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा आगे आ जाएगा। देखिएगा अभी आप लोग जिस जगह पे खड़े हैं यही जो है सदर टावर है, केंद्रीय मीनार, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि एक विंग से दूसरे विंग जाने के लिए थ्रू सदर टावर, ये 1 नंबर है, ये 7 नंबर, और उस तरफ आपको दिख रहा है 6 नंबर, गणेश दामोदर सावरकर। और आर्किटेक्ट का नाम मैंने आपको बताया था मैक्विलियन, उसने कितना प्रॉपर प्लान तैयार किया, देखेंगे पूरा जेल आपको दिख रहा है ब्रिक से बना है, लेकिन बीच में जॉइंट देखेंगे वुडन प्लैंक का लकड़ी है, इतना बड़ा जेल ईंट से बनाने के वजह से बीच का जॉइंट लकड़ी का बनाने का रीजन क्या बोलने से उस समय यहाँ पे बहुत ज्यादा अर्थक्वेक भूकंप आता, इनकेस इसको कॉन्क्रीट करके जॉइंट कर देता तो अर्थक्वेक में सदर टावर गिरेगा तो साथ साथ जेल में लगेगा, लकड़ी का बना के बैंडों का शॉकर का काम करके टूट जाएगा, वापस चेंज कर सकते हैं। और इनकेस विंग नंबर 7 में जो फ्रीडम फाइटर्स को रखा है ये लोग किसी कारणवश भड़क जाए इसको तोड़ देगा तो इसका कम्युनिकेशन कट, इसका बाहर जाने का रास्ता बन, जिसके वजह से बीच का जॉइंट लग गई, ठीक है। यहाँ से ऊपर चलेंगे और एक बार मैंने आपको बताया कि एरो मार्क 1 2 3 देखिए, लास्ट कमरा सावरकर जी का, डबल गेटेड है, 2 तरह का लॉकिंग सिस्टम। यहाँ से ऊपर चढ़ेंगे, चढ़ने के टाइम थोड़ा ध्यान रखिएगा ऊपर का लास्ट सेकंड स्टेप थोड़ा बड़ा है तो थोड़ा देखकर रहेगा। आपको दिख रहा है यही वॉच कवर है, पहले पूरा ब्रिक्स का बना हुआ था, इसको वुडन का दोबारा बनाया गया लकड़ी, पहले पूरा सीढ़ी वगैरह सब कुछ ब्रिक्स का, 4 विंग का डैमेज हो गया बताया मैंने आपको इसी जगह पे, जहाँ पे ये पूरा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, ये यहाँ का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, इसी का नाम जीवी पर। और जो पहाड़ आपको दिख रहा है अंडमान निकोबार आइलैंड का 3rd हाईएस्ट पीक का नाम है, जगह का नाम माउंट हेरियट, ब्रिटिश पीरियड में ये उनका समर हेडक्वार्टर, रात को सो देखेंगे तो उसमें शेर अली के बारे में बताया जाएगा जिसने एक ऑफिसर का मर्डर किया था उसी जगह पर, वाइसराय ऑफ इंडिया को मारा था 8/18/17 उनको 11 मार्च को अंडमान का रॉस आइलैंड। यहाँ से हम लोग रॉस आइलैंड जाएंगे और रात को लाइट एंड साउंड शो भी देखेंगे रॉस आइलैंड का, ठीक है। और रेड एंड व्हाइट जो टावर आपको दिख रहा है लाइट हाउस, जगह का नाम नॉर्थ बे है, यहाँ पे कोरल दिखाया जाता है, सीवक होता है, स्कूबा डाइविंग, इसका एग्जैक्ट लोकेशन आप देखेंगे तो इंडिया गवर्नमेंट पे जो 20 रुपीज का नोट है पुराना वाला, उसके बैक साइड में यहीं का फोटो को प्रिंट किया, ये लाइट हाउस आपको दिखेगा।
और ये कोकोनट ट्रीज जो दिख रहा है इसके बैक साइड में देखिए आपको हल्का शेडेड आइलैंड दिख रहा है, ये यहाँ पे नील हेवलॉक जैसा आइलैंड जो सीधा मैप वो दूर में देखिए हल्का हल्का एक आइलैंड दिख रहा है नील हेवलॉक जैसा आइलैंड। और ये सामने जो आइलैंड आपको दिख रहा है ये रॉस आइलैंड RRSS अंडमान निकोबार का जो पहला सेटलमेंट हुआ था 10 मार्च 1858 में, इसी आइलैंड को सेटल किया गया था ब्रिटिश पीरियड में अंडमान का कैपिटल था। एक रीजन ये कि आइलैंड के चारों तरफ समुद्र का पानी है लेकिन बीच में छोटा सा झील का पॉन्ड वो पाउंड आज भी देखते हैं। और जेल में जब भी तीन लोगों को फांसी देते थे तो ये वास्तव में एक बेल का साथ को छोड़कर बाकी लोग को नहीं देख पाते, तो जैसे ये मीनार में बेल बजता था तो सभी लोगों को पता चलता कि हमारे तीन साथी शहीद हो चुके, पूरा जेल शांत है। बचा हुआ विंग 176 है, विंग्स के ऊपर जाकर आप लोगों को फोटो लेना है तो आप लोग फोटो ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप विनायक दामोदर सावरकर जी का सेल देखेंगे। तो आप लोग लौटने के टाइम जैसे ये लोग जा रहे हैं ना उधर ही मैं आपको सामने में डोर उसको भी देख लीजिए। माय डियर व्यूअर्स फ्रेंड्स एंड वेल विशर्स, अगर आप हमारे इस छोटे से प्रयास और कोशिश को बढ़ावा देना चाहते हैं तो हमें अपना प्यार सहयोग और अनुभव आगे भी देते रहिए और हमसे जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के द्वारा। तो फिर मिलते हैं हमारे सफर के अगले पड़ाव में। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, टेक केयर, हैव अ गुड डे।